हो, देख रहे हो यहां से फोर्स M1 M2 क्या है, देख रहे हो M1 A1 क्या है, F1, ठीक है, M2 A2 क्या है, दूसरे बॉडी पे लगने वाला फोर्स, पहले पहले पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, और M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 एंड प्लस डॉट 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 टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो यहां से जो फार्मूला आ जाएगा नेट फोर्स का आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है भाई, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मास ऑफ द बॉडी। देखो यहां से वही फार्मूला आ गया कि सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव कर रहा है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल वाला इक्वेशन हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फिर वही पुरानी कहानी आ जाती है, सेंटर ऑफ मास कि एक्सलेशन जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मोमेंटम पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो यहां से एक समरी, एक रिजल्ट मैं आपको डिराइव करता हूं। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स जीरो है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन करने के की पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, की पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियली और एक्स कोऑर्डिनेट फाइनली मूव नहीं करेगा। जहां सेंटर ऑफ मास इनिशियली एक्स में होगा, वहीं सेंटर ऑफ मास फाइनली एक्स में होगा, क्लियर है। अभी करके देखेंगे, पेशेंस रखो, ठीक है। उसी तरह से वाई सी एम जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियली इज इक्वल टू वाई सी एम सेंटर ऑफ मास फाइनली, अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वाई एक्सिस में जीरो लग रहा है तो, ठीक है। अब यहां से एक जो है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन रेस्ट पे आता है, इफ सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर इनिशियली रेस्ट है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं लिख सकता हूँ M1 R1 प्लस M2 R2 एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 लिख सकता हूँ। बहुत सारा सिस्टम है, जैसे मान लो इनिशियली जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। रेस्ट से रिलीज करोगे, तो अगर रेस्ट से रिलीज करोगे, तो जो चेंज इन, ठीक है, चेंज डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और ये तो M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक, समझना इसको। तो अगर पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है रेस्ट में है, तो अगर उनका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाता है, डेल्टा R1 डेल्टा R2 चेंज हो जाता है, जैसे मान लो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो अगर मैं इनका सेंटर ऑफ मास इनिशियली ये रेस्ट में थे, इनिशियली रेस्ट में थे, और एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, जो भी फोर्स लग रहे हैं वो वाई एक्सिस में लग रहा है, तो देयर इज नो फोर्स इन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम मान लिया मैं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है, तो इस पे एम जी लग रही होगी, इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, तो ये एम जी नॉर्मल और एम जी नॉर्मल, ये सारे, तो ये जो है, जो भी एक इंटरनल, ये एक सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो एक्सटर्नल एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा सी एम जो एक्स चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दैट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब अगर जीरो हो गया, तो एक्स एक्सिस में M1 डेल्टा X1 इज इक्वल टू माइनस M2 डेल्टा X2, समझना। तो ये वाला, ये जो फार्मूला है, उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, और लास्ट में एक अच्छा सा ट्रिक भी बताऊंगा, और इससे भी बेहतर है, तो इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इन दोनों से आप कैलकुलेशन कर सकते हो।